हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मेरा जो भी ब्लॉग आएगा उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने दीपांशोर में। ये हंसता बहुत ज्यादा है, ये देखो गाइस, ये इसकी हंसी एकदम लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। ये हला पता है स्कूल बेटी आगे पढ़ा पा माँ हावनी की पढ़ा महा बना रहा है बी एड वाल पढ़वा ना चंदमन किस होना ट्रेनिंग वाल है। गाइस अभी हम जा रहे हैं जीएस फील्ड, वहाँ लगाया मिला तो मेरे साथ दो ये हैं, दो आगे से ले गए हैं, चलो चलते हैं। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ डी स्टेट, यहाँ से कुछ इस टाइप का नजारा है। आज बादल लगे हैं पहाड़ों में धुंध टाइप का। गाइस रास्ते में जा रहे थे, हमें सांप मिल गया यहाँ रास्ते में, जो पेड़ में चढ़ा है हरा है पूरा। गाइस हमको रास्ते में मिल गया था सांप और इनमें से एक ने मारा था पत्थर। किसने मारा? पीछे वाले ने। अब इसको पाप लगे मारा मैंने। देख ले इसके मैंने इससे कितना बोला मत मार फिर भी इसने मार दिया, पर उस पर लगी तो नहीं, वो बच गया शुक्र है, नीचे गिर गया। मैंने बचा लिया था सांप को इन बच्चों से। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जीआईसी बेरी नाग के स्कूल में। स्कूल में दीवारों पे महान विभूतियों की फोटो लगी है, अच्छी कलाकारी दिखा रखी है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं स्कूल में। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। और इन नवोदय का हॉस्टल है गाइस। गाइस ये जीआईसी का मंदिर है, स्कूल के बगल में ये मंदिर है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में जो जीएस फील्ड के नीचे लगा है और मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स मुझे मिल चुके हैं निर्मल और पीयूष। और यहाँ कुछ इस टाइप का नज़ारा है, पीछे सब जगह दुकानें लगी हैं। गाइस यहाँ पे चरखा लगा है और एक और लगा है पीछे पे बच्चों के खेलने के लिए लगा है और बहुत सी छोटी मोटी दुकानें लगी, छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें लगी इधर बहुत सारी, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए खूब सारा सामान आया है, खेलने का खूब सारा सामान आया। और गाइस रिंग वाला खेल रहा है, सांत वाला हमारा हो गया, थोड़ा सा बच्चा। अब निर्मल इसमें किस्मत आज मारा है निर्मल, वो देख ले, फोकस कर ले, ऊपर से ही डाल ले तो 100 का नोट दिख रहा ना, 100 के नोट में डालना, कहीं से भी डाल सकता है। अरे नहीं नीचे से नहीं डाल पाएगा, अरे तू नहीं डाल पा, ऊपर से डालना, चल फिर जैसे डालता है यार। हाँ हाँ बना रहा हूँ। अरे यार 100 पे टारगेट रखना, वो देखो तो यार बस। पीयूष आज मारा आपने किस्मत। अब भाई खेलेंगे हमारे यहाँ पे, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं अपना कमाल जादूगरी। लेकिन इसकी किस्मत भी और हाथ भी बहुत टेढ़ी है। गाइस हमने अपना भरपूर किस्मत आजमाया पर गया नहीं, उसमें गया नहीं लेकिन जाएगा, नहीं जाएगा भाई उसमें से उछल जा रहा है। किस्मत बदलने में देर नहीं लगती मेरे भाई, किस्मत नहीं वो जाता ही नहीं, वो पैसा कमाते हैं 70 रुपए 80 रुपए ऐसे ले लिया उन्होंने। गाइस यहाँ पे बॉल थ्रो लगा है और यहाँ पे बिरयानी है, एक भी रह गया तो बिरयानी खाएगा। कुछ इस टाइप की मार्केट लगी यहाँ मॉल में। भैया कब तक गए? हेलो कब तक गए मॉल? 5 तारीख तक
तो गाइस ये मेला 5 तारीख तक है, जो कोई भी आना चाहेगा लोकल का तो आ सकता है। गाइस यहाँ पे चद्दर और कवर्स लगे हैं और कुछ इस टाइप का था ये मेला, उतना मजा तो नहीं आया पर ठीक है लोकल लोगों के देखने के लिए। आज लगभग 2-3 साल में लग रहा है यहाँ मेला। हो चुका है परेशान, बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेले में आए सभी लोग यहाँ पे झूले का लुत्फ उठाते हुए गाइस। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने स्कूल में, तो मेरे दोस्त लोगों से पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको स्कूल में आके, कैसा अनुभव, पुरानी यादें कुछ ताजा हुई यहाँ आके? हाँ हुई ना याद, जो डंडे खाते थे जो भागते थे जो दीवार फाड़ के भागते थे यहाँ से, हम सब याद आ रहे। सबसे तगड़ा था जो बाखला सर हमें पढ़ाते थे बायोलॉजी, उसमें उस क्लास में तो बोलो गजब ही हो जाता था यार, है ना। गैस प्रेयर होने से पहले हम यहीं पे बैठा करते थे हॉल के आगे बरामदे में, हम 3-4 दोस्त लोग थे यहीं पे बैठा करते थे और अभी भी हम यहीं बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है भाई लोगों? क्या पुरानी यादों की तो बात मत कर, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल थे हमारे पेंट को ऐसे कैंचियों से काट के लड़कियों की तरफ बना देते हैं यहाँ से दोबारा बना। हमारे 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 प्रिंसिपल श्रीमान गुरुजी पीटीआई हरिप्रसाद लोहिया जी थे, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अपने, उन्होंने स्कूल को बहुत अनुशासित कर लिया था। यहाँ उनकी लाइफ जो होती है वो क्या ही होती है, क्या ही बताया उसके बारे में, लेकिन आज हम बहुत ही मिस कर रहे हैं उन दिनों को कि काश वो दिन दोबारा आ जाए, फिर से आ जाए। स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है, लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हमारे आंखों के सामने फिर से वो दिन आ रहे कि हम वहाँ पे ऐसा करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे। गाइज ये है वो मेन प्रेयर ग्राउंड जहाँ पे प्रेयर होती थी सुबह मॉर्निंग की और शाम को यहाँ पे अटेंडेंस लगती थी। स्कूल टाइम पे जब हम क्या कहते हैं क्लास अटेंड किया करते थे, तो वो दिन भी हमें धीरे धीरे करके याद आ रहे हैं। हम कुछ भूले नहीं हैं, हमें सब कुछ याद है, हम कैसे क्लास के अंदर शोर शराबा करके टीचर को तंग किया करते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, क्या कहते हैं टीचर का नाम, अरे यार दोबारा बनाना इसको, टीचर के नाम बिगाड़ रखे थे आज हर कोई स्कूल में ऐसे ही होता है, हर जगह टीचरों के नाम बिगाड़ देते हैं। जो भी हमारे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, मतलब हमारे नहीं हिमोबाई के ब्लॉग्स देख रहे होंगे, हमारे फ्रेंड्स सब कुछ टीचर्स जो कुछ भी इसे देखेंगे, हाँ उनको भी। स्कूल टाइम में हमारे 12th में क्लास टीचर कौन थे यार? मेहरा जी थे। अरे पीयूष क्या बताया, मेरे तो खैरोली के ना, वो बांस पठान से आगे, वो बांस पठान के ही तो थे वो, जो क्लास टीचर गणाई के थे। हाँ गणाई के थे वो मेरा सर बहुत अच्छे थे व्यवहार के, हमको हमारे क्लास टीचर थे, बस साइंस ग्रुप के क्लास टीचर थे और आर्ट साइड में ज्यादा पढ़ाते थे वो, है ना, पढ़ाते आर्ट साइड में थे क्लास टीचर हमारे। हेलो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बिरनाग में हैं, जो हमारे टाइम पे राजकीय इंटर कॉलेज बिरनाग के नाम से हुआ करता था, हम इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। लाइफ जो होती है वो हर किसी की लाइफ में तो दोबारा आती नहीं है, आप सब लोग भी अच्छे से जानते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम खुद यहाँ पे आके हर वो मोमेंट हर वो पल इतना मिस कर रहे हैं, क्या बताऊँ आपको। आज हम अपने मित्र हेम और पीयूष के साथ हैं, जो यहाँ पे बैठ के अपने पुराने दिनों को आई थिंक याद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार हम स्कूल टाइम पे कैसे मजे किया करते थे, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे, कितनी अमेजिंग लाइफ हुआ करती थी, वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ रहा होगा जो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए होंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी अपनी एंजॉय कर रहे हैं। इंटर कॉलेज के बगल में आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे पे जहाँ पे वो दिख रहा है आगे पे, यहाँ पे मेला लगा हुआ है जहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो इस मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। विद्यालय जो है एक विद्या का मंदिर होता है, जहाँ से हर बच्चा हर छात्र कुछ न कुछ सीख के लाइफ में आगे बढ़ता है, अपने करियर पे फोकस करता है, करियर में कुछ न कुछ बनता है जिससे क्या कहते हैं वो अपने आगे की लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके, अपनी फैमिली की केयर कर सके, हमारे देश हमारे राज्य हमारे हर एक क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, वो इस काबिल विद्यालय से ही बनता है, और उसको इस काबिल बनाने वाले और कोई नहीं, हमारे शिक्षक होते हैं।
जो हो रहा है लेट, मैं तो जा रहा हूँ और आगे की व्लॉगिंग जो है वो हमारे मित्र हिम्मू संभालेंगे। तो प्लीज हमारे दोस्ती की जो चैनल है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को। गाइस अभी टाइम हो गया हमारे घर को जाने का, क्योंकि हाँ वो दिन भी है कि स्कूल की बेल बजनी है और हम अपने घर को ऐसे दौड़ते थे जैसे कि यार कुछ बैग उठाते ही सीधे। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, जैसे कि जेल से उठ गए। जेल से तो नहीं, हाँ मतलब सेम ऐसी फीलिंग आती थी उस टाइम पे, लेकिन अभी हमें फील हो रहा है कि उस टाइम हमारा ये सोचना था वो कितना गलत था। छठे साथ जो हमारे टीचर हमें बोलते थे, बताते थे, वो हमारे लिए हित के लिए होता था। गाइस ये थे मेरे स्कूल के मित्र। तो अभी हम जीआईसी इंटर कॉलेज बेरीनाग से जा रहे हैं, जो नुमाइश लगी थी जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में, वहाँ से अभी हम घर को जा रहे हैं सभी लोग। और अभी हो चुका है अंधेरा, सभी लोग अभी जितने भी हैं यहाँ से सभी घर को जा रहे हैं। तो अभी क्लियरिटी भी उतनी खास नहीं आ रही होगी। तो इससे पहले निर्मल को देखा होगा आपने ब्लॉग में, जो ब्लॉगिंग कर रहा था। तो निर्मल की ब्लॉगिंग कैसी लगी वो कमेंट्स करके बताना। और पीयूष बचपन से ही ऐसे था, क्लास जब हम 12th में पढ़ते थे यहाँ तब से ऐसे एकदम सीधा साधा भोला वाला, एकदम सिंसियर बालक था स्कूल टाइम से ही। अभी भी उतना फ्रैंकली नहीं है, मतलब जितना भी बहुत इनोसेंट है। और निर्मल उस टाइम पे भी बहुत बहुत शरारती बच्चा हुआ करता था। आज माँ शरारती बन गया है। हाँ आज के डेट में माँ शरारती बन गया, मेडिकल लाइन में है और यहाँ धनवंतरी में ये वहाँ पे जॉब करता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा इसे मेरी नाक के। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भाई के चैनल को सपोर्ट करिए और बहुत आगे बढ़ाइए। धन्यवाद धन्यवाद।